सागर जिले के बरोदिया कला गांव के पत्रकार मनोज तिवारी को राष्ट्रीय भारत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसे लेकर उन्हें लगातार शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में बॉलीवुड अभिनेता, टीवी कलाकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक और मशहूर दूरदर्शन एंकर द्वारा उन्हें बधाई दी गई। राष्ट्रीय भारत भूषण सम्मान से सम्मानित होने पर पत्रकार मनोज तिवारी को बधाई देने के लिए कलाकार अमित भार्गव, सारिका बहरोलिया, विनोद रघुवंशी, आरफ सहडोली, राम बुंदेला, पीयूष सुहाने, सुहाने ऋषिकेश, साक्षी मानकर, मध्य प्रदेश दूरदर्शन की सीनियर एंकर सुमिता पाठक, पंकज खजूरिया, कास्टिंग डायरेक्टर राम रावत, ऋतिक घनसानी, जगमोहन जोशी समेत कई टीवी फिल्म जगत की हस्तियों ने बधाई दी। साथ ही कलाकारों ने उज्ज्वल विश्व की कामना भी की है। प्रिय भाई मनोज तिवारी जी को, जो कि हमारे सागर शहर के बुंदेलखंड के छोटे से गांव से हैं, उनको राष्ट्रीय भूषण पुरस्कार मिला है। इसके लिए मैं पीयूष सुहाने उन्हें बेहद बधाई देता हूं, और ऋषिकेश के पावन धाम से लक्ष्मण जिला पीछे है उसको साक्षी मानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें। हेलो नमस्ते, सलाम सत श्री अकाल, मैं हूँ सात बिलग्रामी और मध्य प्रदेश के सागर जिला के एक छोटे से प्यारे से गांव के पत्रकार मनोज तिवारी जी को राष्ट्रीय भारत भूषण सम्मान मिलने की बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। आपने निश्चित ही बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश के जितने भी जगहें हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है, गौरवान्वित फील कराया है। मेरी तहे दिल से आपसे बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, खुश रहिए और ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए, शुक्रिया। नमस्कार जी, मेरा नाम जगमोहन जोशी है, मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कंट्रोलर हूं। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मित्र मनोज तिवारी जी, जो पत्रकार हैं बरोदिया जिला सागर से, उनके लिए 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो हम सबके लिए खुशी की बात है। और हमारे मित्र मनोज तिवारी जी, आपके लिए बहुत बहुत दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और हमारा हमारे क्षेत्र के बुंदेलखंड का नाम रोशन यूं ही बिखेरते रहें। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिला के छोटे से गांव के पत्रकार मनोज तिवारी को राष्ट्रीय भारत भूषण सम्मान मिलने की मनोज तिवारी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने निश्चिंत ही बुंदेलखंड सहित समूचे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सारिका बहरोलिया, मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव के पत्रकार मनोज तिवारी जी को राष्ट्रीय भारत भूषण सम्मान मिलने की उपलब्धि में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित ही आपने बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आरिफ सहडोली, फिल्म एवं टेलीविजन कलाकार। वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी को राष्ट्रीय भारत भूषण पुरस्कार जो दिया जा रहा है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सम्मान के लिए। ये उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उनको सम्मानित 26 जनवरी को किया जाएगा, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद रघुवंशी। मुझे ये बताते हुए बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले पत्रकार माननीय श्री मनोज तिवारी जी को राष्ट्रीय भारत भूषण से नवाजा गया है, जिसके लिए मैं उन्हें दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं।
आपने सिर्फ बुंदेलखंड को ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, जिसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मनोज भाई, मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि 26 जनवरी को आपको राष्ट्रीय भारत भूषण पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। आप यकीन मानिए, ये पुरस्कार प्राप्त करने की शायद आपको जितनी खुशी होगी उतनी खुशी मुझे भी है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि पुरस्कार आपको नहीं मुझे प्राप्त हो रहा है। वास्तव में ये सम्मान आपका सम्मान नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो अपने कार्यों द्वारा किसी न किसी रूप से हमारे क्षेत्र को आगे लाने में प्रयासरत है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप इसी तरह सक्रिय रहें, किसी न किसी रूप में हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहें, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इसी तरह प्रयासरत रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज खजूरिया, श्री मनोज तिवारी पत्रकार हैं जो उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि इस 26 जनवरी को उन्हें राष्ट्रीय भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है पत्रकारिता में। ये बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए। और उन्हें यह भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भविष्य में वो और भी ऐसे कई सम्मान प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राम रावत, मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव के पत्रकार मनोज तिवारी जी को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत भूषण से सम्मानित किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। सागर जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गर्व की बात है। बहुत बहुत बधाई है मनोज तिवारी जी के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रतीक पचौरी और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के सागर जिले के छोटे से गांव से आने वाले पत्रकार मनोज तिवारी जी को राष्ट्रीय भारत भूषण सम्मान मिलने के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपने मध्य प्रदेश को नहीं समूचे बुंदेलखंड को गौरवान्वित किया है, इसके लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार मनोज जी, 26 जनवरी को आपको राष्ट्रीय भारत भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है, उसे सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए आपको अग्रिम बधाइयां। और हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे सक्रिय रहें और भी बेहतर से बेहतर काम करें और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। ऐसे ही और भी अवार्ड्स आपको मिलें। लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, खूब खूब बधाइयां और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सागर से अनुज सैन की रिपोर्ट।